उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष बनाया है। सपा छोड़ बीजेपी में शामिल होने के करीब 3 साल बाद अपर्णा यादव को कोई पद मिला है। हालांकि राज्य महिला आयोग का उपाध्यक्ष का पद मिलने के बाद सोशल मीडिया पर एक बहस सी छिड़ गई है। उधर यूपी के राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये पद अपर्णा यादव के कद के हिसाब से नहीं है। ऐसा पद देकर पार्टी ने उनके कद को छोटा कर दिया है। वहीं बीजेपी का कहना है कि पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसको कब कौन सा पद मिलना है, किससे कब और कहां क्या काम लेना है। अब पार्टी ने ही ये निर्णय लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद अब यूपी की बीजेपी सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन किया है। बबीता चौहान को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि अपर्णा यादव और चारू चौधरी को उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अपर्णा यादव पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं। बीजेपी ने अपर्णा के आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव पर समय समय पर खूब हमला बोला था। चुनाव दर चुनाव अपर्णा टिकट की रेस में रही, लेकिन पार्टी 2022 विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हुए किसी भी चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दे पाई। अपर्णा लखनऊ से लेकर दिल्ली तक नेताओं से भी मिलती रही। इतना ही नहीं, अपर्णा यादव सीएम योगी आदित्यनाथ की करीबी भी मानी जाती है। सीएम योगी से समय समय पर मिलकर मार्गदर्शन भी लेती रहती हैं। शायद यही वजह है कि अपर्णा यादव को चुनाव के समय टिकट और पार्टी में पद मिलने की चर्चाएं चलती भी रहीं। लेकिन अब जब उन्हें राज्य महिला आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो ये पद अपर्णा के कद के अनुरूप नहीं बताया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ये पद देकर अपर्णा का कद घटा दिया गया है। जिस तरह से अपर्णा यादव को पिछले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जोर शोर से लाया गया था, बीजेपी ने मुलायम सिंह यादव की बहू बताकर अपर्णा यादव के कंधे पर बंदूक रखकर समाजवादी पार्टी को घेरा था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें इसका कोई इनाम नहीं मिल पाया। ऐसा लगता है जैसे अपर्णा यादव को पार्टी ने जो पद दिया है वो सिर्फ झुंझुना है, उनके कद के अनुरूप नहीं है। ये एक तरह से अपर्णा यादव के समर्थकों को ठेस पहुँचाने जैसा है। बता दें कि अपर्णा को अखिलेश यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट सीट से उतारा था। हालांकि वो बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अगले चुनाव यानी 2022 से ठीक पहले अपर्णा ने अचानक सपा से बीजेपी में जाने का फैसला किया और फिर बीजेपी में शामिल भी हो गयी। तब माना जा रहा था कि उन्हें दोबारा लखनऊ कैंट से ही बीजेपी मौका दे सकती है, लेकिन तब से लेकर अब तक अपर्णा को कोई मौका नहीं मिल पाया। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी हैं, जिन्होंने 2022 में अखिलेश यादव से बगावत कर बीजेपी का दामन थामा था। अब महिला आयोग में नई भूमिका वो निभाएंगी। बीजेपी ने 2 साल बाद उन्हें पहली बार ये जिम्मेदारी सौंपी है, जिसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों के बीच कयास लगाए जा रहे हैं कि ये कदम बीजेपी की आगामी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।